फाइनली दोस्तों Z5 पर फॉरेंसिक मूवी रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था और अब फाइनली Z5 पर ये मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें नजर आए हैं मेन लीड में विक्रांत मैसी। इनके अलावा दोस्तों आपको इसमें राधिका आप्टे भी देखने को मिली है और साथ में आपको इसमें प्राची देसाई भी देखने को मिली है। तो दोस्तों हमने इस मूवी को पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया है, तो आपके लिए ये मूवी कितनी वर्थ है और क्या आपको इस मूवी को समय देना चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विशाल पुरिया जी ने, जो कि पिछले साल अमेज़न प्राइम की मूवी छोरी भी लेकर आए थे। वो दोस्तों ये मूवी की लेंथ लगभग 2 घंटे लंबी है और इस मूवी को आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं। वो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी की। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है मसूरी में, जहाँ पर कुछ छोटी बच्चियाँ अपने बर्थडे वाले दिन एकदम से गायब हो जाती है और बाद में पता चलता है कि उनका मर्डर हो गया है। अब पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करती हैं राधिका आप्टे यानी कि मेघा, और इनकी टीम के साथ जुड़े हुए होते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी यानी कि विक्रांत मैसी। और जब ये दोनों इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं, तो इस दौरान उनके सामने कई सारी ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें होती है, जिससे उन्हें किलर को ढूंढ पाना बहुत कठिन हो जाता है। अब क्या वो किलर को ढूंढ पाएंगे या नहीं, और आखिर किलर है कौन, यही जानने के लिए तो दोस्तों आपको इस मूवी को देखना होगा Z5 पर। वही दोस्तों अब आते हैं अपन परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों मुझे इस मूवी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी है वो है दोस्तों प्राची देसाई की। उन्होंने अपने रोल को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है और अपना बेस्ट दिया है। इनके अलावा दोस्तों बात कर ले विक्रांत मैसी की, तो दोस्तों विक्रांत मैसी भी काफी अच्छे लगे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही जोरदार रही है। वो दोस्तों ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ एक ऐसे एक्टर भी हैं जो हर रोल के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं और उस कंडीशन के अनुसार पूरी एक्टिंग करते हैं। वही दोस्तों और राधिका आप्टे भी नजर आई हैं और राधिका आप्टे ने भी अपना रोल काफी अच्छे तरीके से निभा लिया है। हालांकि उनकी एक्टिंग द बेस्ट तो नहीं है, लेकिन उनका रोल काफी अच्छा इस मूवी में रखा गया है। वही दोस्तों बात करें इस मूवी की फाइनल कंक्लूजन पर, तो दोस्तों ये मूवी है ओरिजिनल मूवी मलयालम मूवी फोरेंसिक की हिंदी रीमेक, और जिसने भी वो ओरिजिनल मूवी देखी होगी उसे ये मूवी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो मूवी इससे कहीं ज्यादा बेटर है। जिस तरीके से इसकी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है उसमें कई सारे लूप होल्स हमें दिखाई दे जाते हैं। हालांकि कई ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें डाले गए हैं जो कि इस मूवी को काफी अच्छा थ्रिलर टाइप बना देते हैं। वो दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि इस मूवी में जबरदस्ती डाले गए हैं, उनकी इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। म्यूजिक इस मूवी का काफी अच्छा है, लेकिन इस मूवी का स्क्रीन प्ले उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको पहले हाफ से ही पता चल जाएगा और आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि विलन कौन है। वही इस मूवी में जो लोकेशन इस्तेमाल की गई है वो बहुत शानदार है, काफी डिफरेंट लोकेशन इसमें यूज की गई है। वो दोस्तों इसका क्लाइमेक्स भी काफी अच्छा रखा गया है, आप उसके क्लाइमेक्स को देखकर इस मूवी से जरूर सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी मूवी लग रही है और इसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर स्टोरी एकदम फ्लैट लगने लगती है, जिसके कारण आपका जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो टूट जाता है। वो दोस्तों बात करें इसकी स्टार रेटिंग की, तो दोस्तों मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लग रही है, और अगर आप विक्रांत मैसी और राधिका आप्टे का डाई हार्ट फैन है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।